परसेंट से ज्यादा झारखंड को आदिवासी जनसंख्या को पूरा होने नहीं देना है। जैसे 50% पूरा तो संविधान बनाने वाला और शासन करने वाले सरकार जानता था कि अनुच्छेद 6 क्या बोलता है। अनुच्छेद 6 बोलता है कि अगर 50% से ज्यादा आदिवासी किसी राज्य में होगा तो आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा। और आदिवासी सूची बनने लगा तो 13 आदिवासी सूचियों में 12 गो को आदिवासी सूची में रखा और एक बहुल संख्या रखने वाले आदिवासी जनजाति का जात कुर्मी माथों को हटा दिया। जब 50 में आदिवासी सूची बनने लगा तो 13 आदिवासी सूचियों में 12 गो को आदिवासी सूची में रखा और एक बहुल संख्या रखने वाले आदिवासी जनजाति का जात कुर्मी माथों को हटा दिया। जिंदाबाद रघुनाथ माता अमर रहे। अब हम लिख पीछे हैं मंटू, जितना कम से कम शब्द में होते, मौसम अभी धूप ज्यादा है। हाँ धन्यवाद, आपके साथ अपन भाषण समाप्त करें। आज झारखंड प्रदेश आदिवासी कुर्मी युवा मंच, स्वाभाविक है कि आदिवासी दो भाग में बट गया, बड़ा समुदाय दो भाग में बट गया और आदिवासी कमजोर होते चले गए। आदिवासी कमजोर कर दिया यहाँ, लेकिन संविधान ये भी बोलता है कि जिस प्रदेश में 50% से ज्यादा आदिवासियों की संख्या है वो संविधान के अनुच्छेद 6 शेड्यूल, जिसको बोलते हैं हम लोग 6 शेड्यूल में हम लोग चले जाएंगे। और जो प्रदेश 6 शेड्यूल में चला जाता है वो प्रदेश सुरक्षित हो जाता है, आदिवासी सुरक्षित हो जाता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य आदिवासी सुरक्षित है, जब ये प्रदेश 6 शेड्यूल में चला जाता झारखंड आदिवासी राज्य बन जाता तो यहाँ के खनिज संपदाओं पे लूट पे दोहन रुक जाता, उपनिवेशवाद नहीं चलता, झारखंड में सत्ता परमानेंट शासकों के हाथ में रहता और नौकरी चाकरी रोज आदिवासी महात्मा मांझी के घर में घुसता। झारखंड का बेटा विश्व के नंबर 1 आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आकर के खड़ा होता। लेकिन इसी साजिश के तहत कि आदिवासी इसको 50% से ज्यादा झारखंड को आदिवासी जनसंख्या को पूरा होने नहीं देना है। जैसे 50% पूरा तो संविधान बनाने वाला और शासन करने वाले सरकार जानता था कि अनुच्छेद 6 क्या बोलता है। अनुच्छेद 6 बोलता है कि अगर 50% से ज्यादा आदिवासी किसी राज्य में होगा तो आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा। और आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा तो क्षेत्र के खनिज संपदा, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास उसका होगा, खनिज संपदाओं को लूटने पाएंगे, राजनीतिक सत्ता आदिवासियों के हाथ में परमानेंट रहेगा, उसका बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, उसका बेटा थर्ड ग्रेड तक फोर्थ ग्रेड के लिए नहीं लड़ने आएगा, सड़क पर नहीं उतरेगा। इसलिए हम लोग को गुलाम बना करके परमानेंट रखने के लिए साथी अखन कहला हमारा जितना नैतिक समर्थन दरकार रहन, सामने अगुवाई करे दरकार रहन, हमरा लिए सब समय तोरा साथे आइयो मंटू बाबू, हमरा के कखन कखन ठगला से जिनिस गला सामने आने के पर्ची देवे। आर एकटा जिनिस देखिले टाटा कंपनी मोटा मोटी देखिले, टाटा कंपनी जितना जगह देल है एखन टाटा कंपनी मालिक है, किंतु टाटा कंपनी मालिक कानूनी रूपे न है, कानूनी रूपे टाटा कंपनी मानु न बिहार सरकार जखन ओकर निजक जगह नहीं से टाटा के कौन हिसाब दिले उ लड़ाई का लड़े काम है वहाँ पर साथी कर। यहाँ बोकारो कर से जगह था, यहाँ BCCL कर से जगह गया, इससे सब जगह मालिक कौन